तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश। तो भाई आज ये वीडियो होने वाली है कि मतलब गाड़ी चलाने में डर लगता है। भाई गाड़ी चलाने में डर लगता है उन लोगों के लिए जो भी मतलब ऐसे हैं ना, जो भाई न्यू न्यू लर्नर से सीख रहे हैं, गाड़ी चलाने में उन्हें डर लगता है भाई। तो उन लोगों के लिए कुछ आपको भाई एक वीडियो लेके आया। अगर अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना चैनल पर। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपके भाई के चैनल को, ठीक है भाई। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे आप गाड़ी में बैठेंगे ना, सबसे पहले आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग ये जो सीट है ना, आपकी ड्राइविंग साइड की सीट जो है, ये आपको एडजस्ट कर लेनी अच्छे से, ताकि आप इस पर बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ पाएँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड, आपके ORVMs IRVMs मतलब बाहर वाले शीशे साइड के मिरर दोनों साइड के अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेने हैं। और ये जो आपका IRVM है ये भी आपको अच्छे से सेट कर लें, ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी आती रहे, ठीक है भाई। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको। दो काम मैंने आपको बता दिए, सीट एडजस्टमेंट कर लेनी है और आगे बाहर के दोनों शीशे और ये अंदर का शीशा, जिससे आपको पीछे की तरफ ये देख पाएं। ये चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है। इसके बाद भाई आपको क्या करना है, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भाई जो सामने का एरिया है ना, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं कहीं भी ट्रैफिक में है कहीं भी है, तो भाई सारा फोकस आपको ड्राइविंग के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ बाहर सामने रखना है, ठीक है भाई। मतलब गाड़ी चला रहे हैं लोग बाग ये साइड में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं करना भाई। ये जो शीशे मैंने आपको एडजस्ट कराने के लिए बोला, इन पे भी देखना है, इन पे भी मतलब ध्यान देना है आपको। मगर जब आप गाड़ी चला रहे हैं 90% ध्यान आपको बाहर की तरफ देना है, बाहर की तरफ, ठीक है भाई। सामने मतलब स्ट्रेट है ना, जो साइड मिरर्स हैं या ये जो IRVM है पीछे की तरफ देखने के लिए, इस पर क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यही काम हो गया भाई, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं सारा फोकस आपका सामने होना चाहिए। अगर आपका कोई फ़ोन भी बज रहा है ना भाई, अगर आपका कोई फ़ोन भी बज रहा है, देखिए आप एक्सपीरियंस ड्राइवर के तो आप एक्सपीरियंस ड्राइवर तो है नहीं, वरना मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाता। ये लर्नर्स के लिए जो न्यू न्यू ड्राइविंग सीख चुके हैं, ये उनके लिए। अगर आपका ऑन द ड्राइविंग आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका फ़ोन बज रहा है, तो भाई फ़ोन तो उठाना ही नहीं है, आप बजने तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, फोकस आपका सामने रहना चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, ठीक है भाई। और फिर जो है गाड़ी चलाते चलाते आप सामने तो ध्यान रख ही रहे हैं, मगर ये जो साइड के मिरर्स हैं, ये वाले साइड के मिरर्स जो हैं ये और ये वाले, इनमें भाई धीरे धीरे मतलब आपको जैसे दिखे ना कि यार सामने भी थोड़ा सा गैप है, सामने गाड़ी नहीं है, तो उस समय पे ये थोड़ा थोड़ा सा इनमें नज़र मारते रहना है, मतलब देखते रहना हल्का हल्का सा, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस फील ना हो। मतलब सामने भी आपको पूरा फोकस रहना चाहिए और इन पे भी देखना, खैर ज़रूरी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल मत देखें, इन पे भी ज़रूरी है देखना कि यार भाई इधर से भी कोई ओवरटेक कर रहा है, इधर से कोई ओवरटेक कर रहा है और इधर से कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, तो भाई देखना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी पड़ता है इसमें, ठीक है भाई। ये चीज़ तो आपको मतलब यहाँ पर साइड के मिरर्स में और इस मिरर में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर आप टाइम टू टाइम इसमें देखें, मगर फोकस यहाँ से साइड से ज़्यादा फोकस आपको रखना सामने है। ये तो चीज़ हो गई जो आपको करनी करनी है। अब आ जाते हैं भाई डर के बारे में। डर भाई गाड़ी चलाने के लिए ना, सबसे पहला डर जो होता है वो होता है 1 2 3, ठीक है भाई, मतलब रेस ब्रेक क्लच, इनका सबसे ज़्यादा डर होता है। इन पे भाई डरना नहीं है, अगर आप बिना डरे बैठेंगे ना तभी आप अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर पाएंगे, जितना आप डरेंगे उतने अच्छे से आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। और भाई कहीं ना कहीं जब आप डरोगे ना गाड़ी चलाते, कहीं ना कहीं ठुकेगी पक्का, 100% आई एम श्योर यार, गारंटी दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप ठोक ही दोगे। तो भाई बिना डरे चलाएंगे ना आप गाड़ी, तब जाके ही कुछ बात बनेगी, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और भाई ये जो दो काम मैंने आपको बताए ये करने हैं, ठीक है भाई। और कुछ भाई मतलब ऐसे देखे मैंने यार, गाड़ी चला रहे हैं अभी न्यू न्यू लर्नर्स हैं, मतलब सीख चुके हैं गाड़ी तो, मगर एकदम प्रो बंदे नहीं है कि मतलब यार आराम से कहीं भी ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं है। अब भाई क्या हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं साइड में देख रहे हैं, इधर रोड पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइड में बस शीशों में थोड़ा थोड़ा सा देखना है और इसमें देखना है IRVM में, पीछे कोई हॉर्न वॉर्न नहीं मार रहा। धीरे धीरे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भाई अगर आप वीडियो चाहते हैं ना कि मतलब मैं इन तीनों के ऊपर वीडियो बनाऊं, गेयर के बारे में या किसी भी चीज़ के, जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी आप कुछ पूछना चाहें उस तरीके से, तो भाई आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में ज़रूर, या अगर आपका कोई सजेशन सुझाव है तो भाई आप वो भी दें ज़रूर, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ अगर मुझसे गलती हो रही है तो आप मुझे समझाएँ, आप मुझे सजेशन दें।